टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आईपीएल 2022 का आगाज हो चुका है। क्रिकेट फैंस के साथ साथ आईपीएल खिलाड़ियों के लिए भी ये बेहद खास है। दुनिया भर के क्रिकेटर्स आईपीएल का हिस्सा बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। खिलाड़ी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मेगा इवेंट में अच्छा प्रदर्शन करके उनकी किस्मत जो है वो बदल सकती है। लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो मैदान पर अपना हुनर दिखाने के बावजूद भी अब कहीं गुम से हो गए हैं। ये सितारे अब क्या कर रहे हैं और किस हालत में हैं? ये कोई नहीं जानता। तो आइए कुछ ऐसे ही गुम हुए खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मोहित शर्मा साल 2014 में पर्पल कप जीतने वाले सबसे शानदार गेंदबाजों में से एक मोहित शर्मा को इस सीजन में आईपीएल फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस ने नेट गेंदबाजों के रूप में शामिल किया है। चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करने वाले शर्मा 2014 में सबसे अधिक विकेट लाने वाले गेंदबाज के रूप में उभरे थे। उन्होंने 16 मैचों में 19.65 की औसत से 23 विकेट लिए थे। हालांकि इस बार शर्मा को आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी में कोई खरीदारी नहीं मिली। मनप्रीत गोनी पंजाब के इस तेज गेंदबाज ने 2008 में आईपीएल के उद्घाटन सत्र में सीएसके के लिए अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। गोनी ने 2008 में कुछ मजबूत प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाई, लेकिन सिर्फ उन्हें हांगकांग और बांग्लादेश के खिलाफ खेलने को मिला। वह हैदराबाद के डेक्कन चार्जर्स, किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस के लिए खेले, लेकिन 2008 में सीएसके की टीम में दिए गए अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए। तिरुमला सेट्टी सुमन हैदराबाद में जन्मे तिरुमला सेट्टी सुमन हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स के लिए एक रन मशीन थे। उन्होंने 2009 में 237 रन बनाए और 2010 के सीजन में अपनी सफलता को दोहराते हुए एडम गिलक्रिस्ट की अगुवाई वाली टीम के लिए 307 रन बनाए। हालांकि अगले सीजन में मुंबई इंडियंस के साथ उन्होंने 7 परियों में सिर्फ 65 रन बनाए। उसके बाद वह अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाए और आईपीएल और क्रिकेट से दूर हो गए। कमरान खान उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को राजस्थान रॉयल्स ने 2009 सीजन के लिए चुना गया था। रॉयल्स के इस वंडर बॉय ने दिग्गज शेन वॉन सहित सभी को अपनी गति से प्रभावित किया था। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह गेंदबाजी करने की क्षमता रखते थे। उन्होंने 2011 में पुणे टीम में जाने से पहले 2010 तक राजस्थान रॉयल्स के साथ क्रिकेट खेला। उत्तर प्रदेश के इस तेज गेंदबाज ने अपनी क्रिकेट प्रतिभा के लिए रातों रात सुर्खियां जरूर बटोरी थी। वह अपने प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रख पाए और क्रिकेट से दूर होते चले गए। इन नामों के अलावा और भी कई खिलाड़ी हैं जो एक आशाजनक शुरुआत के बावजूद उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जैसे स्वप्निल अस्नोतकर जो आईपीएल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले गोवा के पहले क्रिकेटर थे। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज पॉल वाल्सटी पश्चिम बंगाल के, क्रिकेट कीपर बल्लेबाज श्रीवत्स गोस्वामी, मुंबई के स्पिनर इकबाल अब्दुल्ला 2011 में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उभरते हुए खिलाड़ी शादाब जादकी और हरियाणा के बल्लेबाज मनविंदर बिस्ला, इन सभी प्लेयर्स की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया।
पर इस बार के आईपीएल में तमाम खिलाड़ी अपनी बेहतर परफॉर्मेंस के दम पर अपनी टीम को जीत की राह पर आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस बार देखना दिलचस्प होगा कि किस टीम को इस बार आईपीएल की ट्रॉफी मिल पाती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और इसी के साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।